राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की दूसरी माता की शुभकामनाएं। और बस यहाँ मैं उठ के पहले ये सारा सामान, मतलब किचन का जो भी मुझे ले जाना है रास्ते के लिए, उसकी तैयारी करने लगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज काट लिया है, टमाटर भी मैं मतलब काट लेती हूँ। तो बच्चों के मतलब नाश्ते में इसमें सैंडविच बन जाएंगे और दोपहर के लंच के लिए सब्जी रोटी रख लूँगी। तो यहाँ पहले मैं प्याज टमाटर वगैरह काट के रख देती हूँ। तो बस अभी केवल मैं ही उठी हूँ और मैंने अभी किसी को उठाया भी नहीं है। मैंने कहा चलो थोड़ी देर से ही उठाऊँगी, जब मेरे आधे काम निपट जाएंगे, उसके बाद जब इन लोगों की ज़रूरत होगी ना तब मैं उठाऊँगी। तो बस यहाँ पर प्याज टमाटर कट गया है और बस अब सिस्टी को मैंने उठा दिया था, क्योंकि बस मैंने आलू वगैरह मैश करके सब कुछ रख दिया था। तो मुझे और भी काम थे, क्योंकि नवरात्रि का वो चल रहा है तो घर ऐसे ही छोड़ के तो जा नहीं सकते। तो झाड़ू वगैरह लगानी है, पूजा वगैरह करनी है, सारी किचन समेट के जाऊँगी ऐसे छोड़ के, तो मैं कभी नहीं जाती हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें भी समेटनी है। सैंडविच ऐसी है, मैंने सारी तैयारी कर दी है, बस ये प्याज टमाटर वगैरह नहीं काट पाती हैं तो वो मैंने काट के रख दिया है। और आलू मैंने रात में ही उबाल के रख लिए थे, तो बस यहाँ पर आलू भी मैश हो गया है। तो बस मैंने कहा ब्रेड मंगा के मैंने रात में ही रख ली थी, तो मैंने कहा तुम बस अब मैं मसाले बता रही हूँ कि मसाले ये डाल लो। तो बस ये अपना उसमें इस सैंडविच मेकर में बना के सेंक लेंगी। इतना तो ये इन्होंने सीख लिया है, इतना तो ये कर लेती हैं। तो मैं और भी काम निपटाऊँगी जाके, तब तक ये अपना सैंडविच की मतलब तैयारी तो हो गई है, सैंडविच मतलब बना लेंगी। तो बोली इनका भी मन था कि मम्मा सैंडविच लेके जाएंगे रास्ते में, क्योंकि जैसे कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में खाओ ना तो वो भी ऐसे ही सैंडविच मिलते हैं, और बट इतने महंगे मिलते हैं, उनमें कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने कहा इस बार अच्छा अपना घर से ही बना के ले चलो, होती क्या है उसमें, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए फिर मैंने इस बार सैंडविच की तैयारी कर ली। और चाय अभी मैंने बनाई नहीं, क्योंकि मैं सीधा मतलब सैंडविच की तैयारी करने लगी थी। तो उसके बाद मैंने चाय भी चढ़ा दी, और ज़्यादा चाय चढ़ा दी कि रास्ते के लिए भी मतलब अभी तो कोई पीएगा नहीं, सब अपने अपने काम में लगे, मैं ही और ये पीती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने काली मिर्च, छोटी इलायची, अदरक जो भी था सब कुछ डाल दिया, बढ़िया सी कड़क चाय बना के और बोतल में भर के रख लूँगी। और अभी तो बस मैं तैयारी में ही लगी हूँ। रोटियाँ भी मैंने बना ली हैं और चाय भी मैंने बोतल में भर के रख दी है। तो बस यहाँ देखिए रोटियाँ बन गई हैं, तो मैं छोटे वाले कैसरोल में रोटी रख लूँगी। रोटी ज़्यादा नहीं रखी मैंने, मतलब ऐसे ही रख ली, 10-12 रोटी सेक के रख ली हैं। और ये बड़ा वाला कैसरोल है ना, तो इसमें मैं सैंडविच रख लूँगी, ताकि सैंडविच थोड़ी गर्म बने रहेंगे। तो अभी मैंने सिटी से कहा अभी मत सेकना, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है और वो जल्दी सीख जाती हैं उसमें। तो मैंने कहा तुम बस 10-20 मिनट पहले ही सेक लेना, जब मतलब हाँ कि तब सब रेडी हो जाए, वो बस निकलने के लिए 10-20 मिनट रह जाए, क्योंकि निकलने से पहले हमें सारा घर चेक करना होता है, कोई लाइट वगैरह, टोटी वगैरह और सारी चीज़ें चेक करके जानी पड़ती हैं। तो बस मैंने कहा उसी बीच तुम अपना ये सैंडविच फटाफट लगा देना। तो सिस्टी यहाँ थाली में लगा के रख गई हैं। तो बस गैस वगैरह मैंने किचन सारी समेट दी है और बस मैं लग गई फटाफट झाड़ू में। और ये तो बार बार मना कर रहे क्या जरूरी है झाड़ू लगाना, और ये मैंने कहा बस मुझे छोड़ के आओगे आप, ऐसे ही घर पड़ा रहेगा, मतलब अच्छा भी नहीं लगता है कि आप निकलो घर से और इतना घर गंदा पड़ा है, नवरात्रि भी चल रही है। तो बस यहाँ झाड़ू में, और मैं मतलब कितना भी बोलते रहे मैं तो साफ़ सफाई करके ही जाती हूँ। मैंने कहा कोई घर में ऐसे होता है ना कि जैसे हम किराए का मकान छोड़ते हैं तब साफ़ सफाई का होता है, ऐसे थोड़ी होता है जब हम अपने घर से जा रहे हैं तो घर हम ऐसे मतलब पूरा फैला के निकलें घर से, वो अच्छा नहीं होता। तो मैंने कहा सारी चीज़ें सेट करके जाऊंगी, क्योंकि आप उधर से वापस आओगे तो फिर सब ऐसे ही पड़ा रहेगा और आप जेंट्स लोग इतना थोड़ी समेट पाते हैं। तो बस यहाँ झाड़ू भी लग गई और मैं तैयार होके आ गई हूँ। तो बस बर्तन वगैरह सारा कुछ हो गया, मैंने फिर ज़्यादा छोटा छोटा सही बीच बीच में एक क्लिप बना ली है। तो बस यहाँ पर इस झोले में मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं फ्रिज से, फ्रूट्स वगैरह, ब्रेड, जैम, सैंडविच, सारा कुछ हो गया है। बस अब हमें निकलने की मतलब बस निकलने भर का वो है, बाकी हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, बच्चे भी रेडी हो गए हैं। तो जो भी है कॉर्नफ्लैक्स जो भी था, क्योंकि मैंने रख लिया कि बच्चों को, क्योंकि बच्चे मतलब होते मतलब बच्चे साथ में हो ना तो कुछ कुछ ना कुछ उन्हें रास्ते में चाहिए, फिर जब गाड़ी रुकवाओ ना ये ले लो वो ले लो, और फिर कहीं कभी ऐसा होता है कि हमें मतलब मिलती ही नहीं है दुकानें अच्छी कि हम कुछ अच्छी चीज़ें ले लें खाने पीने की। तो इसलिए मैं ज़्यादातर ले के ही चलती हूँ, वो ना ऐसे कहो गाड़ी रोक दो ये ले लो वो ले लो ना, तो
उनको रहता है कि जल्दी टाइम से घर पहुंचो, उनकी भी बात सही है, तो फिर वो किचकिच किचकिचबाजी होने लगती है। इसलिए मैं शुरू से ही फिर रख के सारी चीज़ें चलने लगी। मैंने कहा अभी किचकिचबाजी जिस चीज़ से होती है उसको ख़त्म ही कर दो। तो ये देखिए बैग हमारे तैयार हो गए हैं, तो बस निकलने की देरी है। और सारा पानी वगैरह हमने ऊपर पेड़ पौधों में सब कुछ डाल दिया है कि मतलब 2-3 दिन तो इनको लग ही जाएंगे आने में वहाँ से। तो बस चलिए चलते हैं, निकलते हैं अपने सफ़र की तरफ। और आपको पहुँच मतलब रास्ते का भी आपको सफ़र का एंजॉय करवाएंगे, कैसे कैसे हम लोग होते हुए जाते हैं। और पूजा वगैरह भी करनी थी वो हो गई है। और मतलब इसी बीच में मतलब सारा मतलब मैंने सोचा था कि मैं पूरा काम कर लूँ और उसके बाद ही बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया, बस केवल मैंने इनको ही नाश्ता करवाया। क्योंकि अगर खाने बैठ जाओ ना तो फिर चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, क्या करना है, क्या रखना है, क्या कब किस चीज़, कोई चीज़ बाहर रह ना जाए। तो बस मैं उसी में ही मेरे दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही थी। तो हम और पीयूष जी ने कोई सी ने नाश्ता नहीं किया, केवल इनको मैंने नाश्ता करवा दिया। तो हम लोग आराम से बैठ के गाड़ी में करेंगे नाश्ता। तो बस हम लोग निकल चुके हैं घर से और टाइम ऐसे 9 बज रहा है। तो बच्चों को भूख भी मतलब इतनी सुबह लगी भी नहीं थी, तो अब देखिए इन लोगों को भूख लगाई है, मुझे भी लगाई है। तो मैंने कहा चलो अभी गर्म है और अभी खा लूँ ये सैंडविच वगैरह, क्योंकि 11-12 बजे तो फिर हम वहाँ पे 2-2.5 बजे तक फिर हम लंच करेंगे। तो अभी बस हम लोग चलिए आ जाइए, आप लोग भी इंजॉय करते हैं सैंडविच और गरम गरम चाय, तो बड़ा अच्छा लग रहा। भैया इतना रोको, जो इतका पानी मिले इतका कहा तुम तो विचित्र ही होगा, कुछ भी भर देते हैं लोग। देखो पानी और तो रखे हुए हो, चलो यहीं से चीज ऐसी खा लो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आगे ले लियो। इतनी दुखे हैं, ठंडी रखनी
फौजी ढाबा लिखा, पता नहीं फौजी है। काट दिया